वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के खेल के मैदान में द्विमासिक सायकालीन योग शिविर का आयोजन चल रहा है। ये एक मायने में बहुत खास है क्योंकि इसको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की महिला अधिकारी ने काशी की महिलाओं के लिए खास तौर पर आयोजित किया है। कहते हैं ना कि महिलाएं जो चाहे वो कर सकती हैं। काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ऐसी ही एक महिला हैं, उनकी सोच है वाराणसी के हर महिला को काशी विद्यापीठ के इस मैदान में योगा के लिए एकत्रित किया है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए अमिता सिंह जी, प्रोफेसर अमिता सिंह, चीफ प्रॉक्टर हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की। क्या सोच के आपने आमंत्रित किया है? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं चीफ प्रॉक्टर हूँ, 10.5 महीने लगभग हो गए। 8 बजे से लेकर 8 बजे तक 12 घंटे अवधि तक मैं चलती रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ। तो कुदरती मेरे पैर में थोड़ा दर्द हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप फलथी मार के मत बैठिए, आप सीढ़ी मत चढ़िए, आप मत चलिए, आप खड़ा मत रहिए। हमने डॉक्टर से कहा कि इन सबको छोड़ के, ये तो तभी संभव है जब मैं मेडिकल ले लूं, इसको छोड़ के कुछ आप इलाज बताइए। तो उन्होंने कहा कि योग ही इसका एक इलाज है और कोई इलाज नहीं है, आपको बेड रेस्ट की आवश्यकता है, आप बेड रेस्ट करिए या फिर योग करिए। हमें लगा कि योग जब इतना महत्वपूर्ण है कि बेड रेस्ट की जगह पर योग करना है, तो हमारे साथ साथ क्यों ना काशी की समस्त बहनें करें। हमारी ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिनको आवश्यकता तो है योग की, लेकिन वो ट्रेनर के माध्यम से सीख नहीं पाएंगी। तो मैं पूरे काशी की बहनों का आह्वान की हूँ कि जिन्हें लगे कि मुझे योग करना है, वो इस विद्यापीठ के फील्ड में आए और योग करें। इस योग शिविर की खासियत यही है कि यहाँ पे हर तरह की महिलाएं आ रही हैं, कामकाजी भी और गृहिणियां खास तौर से, एक ऐसी ही महिला है। ये इसमें आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, कैसा लग रहा है और क्या अनुभव कर रही हैं इनके साथ योगा करके? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है योग करने में। घर पे इतना हो नहीं पाता है लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम तो चाहते हैं कि हमें हमेशा ही ऐसा योग मिले। और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवतियाँ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस योगा शिविर में, ग्रीष्मकालीन योगा शिविर। आप लोग कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि हर उम्र के लोग यहाँ पर महिलाएँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, और योगा को कैसे देख रही हैं आप? हम लोग को यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैम ने हमें काफी ज्यादा मौका दिया है, मैम ने अपने लिए सोचा था लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे काफी सारी काशी की महिलाओं के लिए भी सोचा है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिससे काफी सारे लोगों की जितनी जितनी तकलीफ है वो अच्छी ठीक भी हो रही है, तो इस चीज से हमें काफी अच्छा बेटर भी फील हो रहा है। आपको कैसा यहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो BHU के स्टूडेंट हूँ, योग का मतलब जुड़ना होता है, और यहाँ पे मैम सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही हैं, और सारी औरतें भी घर से ऐसे नहीं निकल पाती हैं, तो सब आके बहुत खुशी महसूस कर रही हैं, अपना 1 घंटा अपने लिए समय दे रही हैं, जो इनके लिए बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ आके इतना अच्छा लगा, अमिता मैम ने हम औरतों के बारे में इतना कुछ सोचा है और रोज नई नई चीजों को सीखने को मिल रहा है, और यहाँ आके हम बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं और योगा भी सीख रहे हैं। ये सारी महिलाएं उत्साहित हैं, और एक सबसे खास बात जो इन महिलाओं ने मुझसे चर्चा की कि 21 जून को जब इसकी समाप्ति हो तो ये चाहती हैं कि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री इस मैदान में इनके साथ योग करें। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD News वाराणसी।